कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन ब्यूटी एंड स्टाइल। आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं खूबसूरत सा करवा चौथ मेकअप लुक। आप चाहें तो इस मेकअप लुक को एज अ पार्टी में भी कर सकते हैं और दिवाली में भी कर सकते हैं, और बहुत खूबसूरत टर्न आउट होकर आया है ये आई मेकअप। पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद आया, आई होप कि आपको भी पसंद आई ये आई मेकअप लुक। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए देख लेते हैं फटाफट मैंने कैसे अचीव किया ये मेकअप लुक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी आईब्रोज पहले से सेट कर रखी हैं, और सबसे पहले मैं कर रही हूँ यहाँ पे स्किन केयर। तो स्किन केयर के लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पे ये सीरम, और ये गुड वाइब को रोज हिप सीरम है, काफ़ी अच्छा सीरम है। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सो अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करें मॉइस्चराइजर से और सीरम से। सो हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, और ये निक्स का कंसीलर है एज अ प्राइमर। और मैं कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कफ एंड लैशेस का कंसीलर ब्रश है ये। उससे मैं अपनी कंसीलर को सेट कर लूँगी अच्छे से। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बनाना पाउडर, और ये मेकअप रिलेशन का बनाना पाउडर है। इससे मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी ताकि हमारा आई शेडो अच्छे से ब्लेंड हो सके और कोई क्रीज लाइन ना बने। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ग्लास कलर स्टूडियो को आई शेडो पैलेट है ये, और इसमें से मैं लूँगी लाइट पिंक कलर और उसको अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद फिर वही आई शेडो पैलेट से मैं डार्क पिंक कलर लूँगी, और उसको भी सेम जैसे मैंने लाइट पिंक कलर को अप्लाई किया था वैसे ही मैं इसको भी अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज लाइन पे और अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, और ये हमारा ट्रांजिशन शेड होगा। उसके बाद फिर मैं उसी आईशैडो पैलेट से ब्लू कलर लूँगी और उसको सिर्फ अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी और सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करती जाऊँगी ताकि वो कलर अच्छे से आईलिड पे अप्लाई हो जाए मेरे। उसी कलर को अप्लाई करते रहना है जब तक हमें डार्क ब्लू कलर ना मिल जाए अपनी आईलिड पर। अप्लाई करते रहना है और ब्लेंड करते रहना है। उसके बाद फिर हम क्लीन ब्रश लेंगे और अपनी आईलिड पे ब्लेंड करेंगे ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे और सब कुछ ब्लेंडेबल दिखे। फिर उसके बाद वही आईशैडो पैलेट से हम शिमर ब्लू कलर लेंगे, और मैं आपको अपनी हैंड पे स्वाचेस करके दिखा रही हूँ ब्लू कलर को, और हम इसको अप्लाई करेंगे इनर कॉर्नर से लेकर इनर थर्ड तक आईलिड के फिंगर की हेल्प से। उसके बाद हम दूसरा आई शेडो पैलेट यूज़ करेंगे, और ये भी ब्यूटी ग्लास का ही है रिवर्सल प्लैनेट आई शेडो पैलेट है ये भी, और इसमें से हम प्रेस ग्लिटर लेंगे और ब्लू कलर है ये, बहुत ही प्यारा प्रेस ग्लिटर है। और इसको हम सेम जैसे हमने पहले वाले आई शेडो को अप्लाई किया था शिमर वाले को, सेम वैसे इसको अप्लाई करेंगे हम इनर कॉर्नर से लेकर इनर थर्ड तक, और बहुत ही प्यारा कलर है ये, और इसको हम अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। सो हमारा आई मेकअप लुक कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम बेस मेकअप, और उसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ प्राइमर, और ये नायका का प्राइमर है सिलिकॉन बेस वाला, काफ़ी अच्छा प्राइमर है, और प्राइमर को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। प्राइमर को अप्लाई करने के बाद हम 10 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, और ये पैक का फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है ये और मेरा फेवरेट भी है, और काफ़ी अच्छा कवरेज भी है इसका। और हम अपने नेक पे भी अप्लाई कर लेंगे फाउंडेशन को, और यहाँ पे हम फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं अगेन कफ एंड लैशेस का ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, जो कि काफ़ी अच्छा है और मुझे पसंद भी है ये ब्रश। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी सेट कर लेंगे फाउंडेशन को, ताकि जो हमारा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए। फाउंडेशन को सेट करने के बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे, और अगेन ये निक्स का कंसीलर है। कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कफ एंड लैशेस का कंसीलर ब्रश, और अगेन मुझसे ब्लेंड नहीं हो पा रहा था कंसीलर इस ब्रश से। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि जो ब्रश है, ब्रश के जो नीचे है कंसीलर लग रहा था, मतलब ब्लेंड ही नहीं हो रहा था और नीचे लग रहा था, तो मैंने उसको रख के और फिर मैंने अपने जो मेरा ब्रश है पैक का फिर मैंने वही अप्लाई किया। फिर कंसीलर को सेट करने के लिए हम पाउडर अप्लाई करेंगे, और अगेन मैं यहाँ पे मेकअप रिलेशन का बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ।
उसके बाद हम थोड़ी सी यहाँ पे कंटूरिंग कर लेंगे, पाउडर कंटूरिंग कर लेंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का कंटूरिंग किट यूज़ कर रही हूँ मैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सटल कंटूरिंग है, मतलब कि ज़्यादा डार्क दिखाई देता है और बहुत सटल दिखाई देता है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। बहुत जल्द मैं आपके साथ इसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। और बहुत ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है, और सेम वही कंटूरिंग मैं नोज़ कंटूरिंग भी करूँगी, नोज़ को स्लिम दिखाने के लिए। उसके बाद जो भी मैंने मैं पाउडर अप्लाई किया था, बनाना पाउडर अप्लाई किया था, उसको हम डस्ट आउट कर लेंगे ब्रश की हेल्प से। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ब्लश, और हम यहाँ पे पिंक ब्लश अप्लाई करेंगे, और अगेन ये SFR का ब्लश है जो कि मुझे बहुत पसंद है। चलिए वापस हम आ जाते हैं आई मेकअप पर। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वापस से वही पिंक कलर, और मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ, और दोबारा वही ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ जैसे मैंने ऊपर किया था सेम वैसे ही, और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे पिंक और ब्लू कलर को। उसके बाद हम काजल अप्लाई कर रहे हैं खाली अपनी वाटर लाइन पर। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं काजल को, पर मैं यहाँ पे काजल थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे हम आईलाइनर, और अगेन ये एप्सोडेम का आईलाइनर है, मुझे बहुत पसंद है। इससे पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ अगेन दोबारा यही यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई नया प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। और हम अप्लाई करेंगे मस्कारा अपनी दोनों लैशेस पर, अपर और लोअर लैशेस पर। उसके बाद फिर हम अप्लाई करेंगे फॉल्स लैशेस, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, और मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली थी लैशेस। और लास्ट में अप्लाई करेंगे हाइलाइटर अपनी इनर कॉर्नर पर आई के, और ब्राउ बोन पे अप्लाई करेंगे हाइलाइटर को। और ये मेबलिन का हाइलाइटर है, मास्टर क्रोम वाला, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद हम सेट कर लेंगे सेटिंग स्प्रे की हेल्प से मेकअप को। और ये शाय स्टाइल का सेटिंग स्प्रे है, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर लेंगे अच्छे से। तो सबसे लास्ट में अप्लाई करेंगे लिपस्टिक, और यहाँ पे दो लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ मैं, और एक शुगर की है दूसरी नायका की है, दोनों ही काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, पिंक कलर है। और जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करी सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चेक कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट मेरा मेकअप लुक कम्प्लीट हो चुका है, एंड दिस इज़ फाइनल एंड फिनिश लुक। ये था मेरा करवा चौथ मेकअप लुक 2020। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। I'm not afraid of anything.